अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवेंथ, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब फ्रेजेट्स होंगे। सो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इट्स अबाउट एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो दुआ पढ़ लेते हैं और उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। रब इशराली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब ज़िदनी इल्मा। सो स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर चल रहा है इट्स अबाउट एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर, और जो हमारा टॉपिक है आज का इट्स अबाउट लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कम्पोजिशन। ठीक है, as I told you before, students, ke, you know, my highlighter is not working, so I have to use this laser light. So, main kahan par pad rahi hun, aapko ye laser light hi behtar bata sakegi, highlight kaam nahi kar raha. Aage chalte hain janab, law of constant composition ke upar. Dekhiye, constant ka matlab kya hota hai? Ki ek cheez fixed hai, badlegi nahi. Composition ka matlab kya hai? Banavat. Constant composition ka matlab kya ho gaya? Ke, कोई भी ऐसी चीज जिसकी बनावट फिक्स्ड है, बदलेगी नहीं, हमेशा ही ऐसी रहेगी। अब पहले लॉ पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे बात करते हैं। लॉ यहाँ से पहले पढ़ते हैं। ओके, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, कंपाउंड, अ कंपाउंड कंटेन एलिमेंट्स इन अ सर्टेन फिक्स्ड प्रोपोर्शन रेशियो रिगार्डलेस ऑफ हाउ the compound is prepared or where it is found in nature. Okay, law of constant composition का मतलब ये है कि किसी compound को किस तरह बनाया गया है, कितने ratio के साथ बनाया गया है, बजाय इसके कि कहाँ बनाया गया। ठीक है, इसकी example यहाँ पर एक मैंने लिखी हुई है। ठीक है, if you have one molecule of methane gas, you will always have one carbon atom and four हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले मैं आपको मीथेन का ना केमिकल फॉर्मूला यानी कि सिंबल बता देती हूँ, कैसे मीथेन गैस को लिखते हैं। इट्स अबाउट CH4। CH4, लेट मी राइट इट, इफ आई कुड। मीथेन गैस को कैसे लिखते हैं? CH4। ठीक है, तो इसमें आपको कितने नजर आ रहे हैं? ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आपको कितने लेजर पॉइंट या मीथेन गैस में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 1, जबकि हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं? 4। ठीक है, अब मीथेन गैस चाहे पाकिस्तान में मिले, चाहे इंडिया में मिले, चाहे अमेरिका में मिले या स्विट्जरलैंड में मिले, कहीं पर भी मिले, कहीं पर भी प्रिपेयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका रेशियो मीथेन गैस बनाने के लिए यही रहेगा हमेशा। एक कार्बन और चार हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ही मीथेन गैस बन सकेगी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर के लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कम्पोजिशन क्या है। ये पूरा का पूरा एक लॉ है, एक लॉ पूरा बनाया गया है, और उस लॉ के मुताबिक ये हमें बताया जाता है कि कुछ कंपाउंड्स, कुछ नहीं एक्चुअली सभी, सारे के सारे कंपाउंड्स को जब बनाया जाता है तो फिक्स प्रोपोर्शंस, फिक्स रेशियोस की मदद से बनाया जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखें आप, ये रहा H2O यानी के वाटर। H2O में कितने हाइड्रोजन है? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। ठीक है, और NaCl देख लें, NaCl यानी कि टेबल सॉल्ट, जो हमारे पास नमक इस्तेमाल होता है। इसमें देखें, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन। Na के कितने यहाँ पर एटम है? 1। क्लोरीन के कितने हैं? 1। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट कहाँ का पाया जा रहा है भाई? कहाँ पाया जा रहा है? इंडिया में पाया जा रहा है, यू नो मलेशिया में पाया जा रहा है, बांग्लादेश में पाया जा रहा है, पाकिस्तान में पाया जा रहा है, कहाँ पाया जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस मुल्क का नमक है। फर्क ये पड़ता है क्या इसका जो फिक्स प्रोपोर्शन रेशियो है, यानी इन दोनों को बनाने के लिए जो रेशियो इस्तेमाल किया, क्या वो NaCl है या Na2Cl है या NaCl2 है। अगर वो NaCl2 है तब भी नमक नहीं है, अगर वो Na2Cl है तब भी नमक नहीं है, अगर वो NaCl है तब ही जाकर वो एक टेबल सॉल्ट यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं वाटर की। अगर ये वाटर, चाहे ये वाटर टैप का हो, चाहे ये वाटर बॉटल का हो, चाहे ये वाटर समंदर का हो, चाहे कहीं का भी हो, दुनिया के किसी भी समंदर का, किसी भी दरिया का, किसी भी लेक का, किसी भी झील का पानी उठा ले आप, उस सब में कंपोजिशन वाटर की ऐसे ही होगी, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा, तभी जाकर ही अपने आप को वाटर का मॉलिक्यूल बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। ठीक है, तो साइंटिस्ट को भी, केमिस्ट को भी, जब भी कभी ऐसे मॉलिक्यूल जिनको बनाने पड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे लेबोरेटरी में हमारे केमिकल्स बनते भी हैं बच्चों, तो जब उन्हें बनाना पड़ता है उन्हें इन फिक्स रेशियोज का अच्छे तरह से ख्याल करना पड़ता है कि कहीं ये रेशियो आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि अगर ये रेशियो आगे पीछे हुए तो वो इसे क्रिएट नहीं कर सकेंगे, वो इसको बना नहीं सकेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी ये क्लास यहाँ पर खत्म हो गई, जिसमें आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कम्पोजिशन। कॉन्स्टेंट कम्पोजिशन का मतलब क्या है कि किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स रेशियो की जरूरत पड़ती है। उस रेशियो का मतलब यह है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया हाइड्रोजन देखें 2 है, ऑक्सीजन कितने 1, और ये 2 और 1। मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ,
लेट मी सी, हाइड्रोजन की ही बात करते हैं, मैं इस वक्त हाइड्रोजन की एग्जांपल ले रही हूँ। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 1, और ऑक्सीजन का क्या है 16, ठीक है। बट यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2, ठीक है, 2 + 18, सॉरी नॉट 2, इट्स नॉट 2, ओके लेट मी रेज दिस, गलती हो गई मुझसे, इट्स नॉट 2, इट्स रेशो डाल लेते ना यू करके, इसे रेशो कर लें, ठीक है। सो अगर मैं इसको इन कट करूँ किस तरह से होगा, 2 × 2, 2 × 9 = 18, सो 1:8, ये गलत हो गया, एक मिनट इरेज कर देते हैं, ओके ओके ओके, लेट मी राइट दिस अगेन। ये रहा हाइड्रोजन का रेशो, यानी कि मैंने दोनों आइटम्स का लिख दिया, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है ना, तो उसका मतलब 2, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है 1, 16, इन दोनों को मिलाया कितने हो गए, ये हो गए कितने 18, अगर मैं इसको कट कर दूं, 2 × 2 और 2 × 8 = 16, तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 8, ओके ये रेशो है, ठीक है, इसे रेशो समझना, बड़ा अजीब सा बन रहा, खैर तो 1:8, यानी कि जब भी कभी वाटर बनाना होगा उनको वाटर कितना लेना होगा, एच के हाइड्रोजन कितना लेना होगा, हाइड्रोजन 1, जबकि हाइड्रोजन के मुकाबले में ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा होगा वहां पर, यानी कि 8 टाइम्स ज्यादा होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मुकाबले में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मुकाबले में, हाइड्रोजन कम हो रहा होगा यूज और ऑक्सीजन ज्यादा हो रहा होगा। अगर ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन को जो है वो 4 टाइम्स ज्यादा ले लें तब भी वाटर नहीं बनेगा, अगर ऐसा हो वो ऑक्सीजन को 10 टाइम्स ज्यादा ले लें तब भी नहीं बनेगा वाटर। वाटर बनाने के लिए उन्हें यही चाहिए कि उन्हें यानी कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चाहिए होगा, 2 H मिलेंगे तब और 1 O मिलेगा तब जाके वाटर बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से आपने सुना होगा अमोनिया के बारे में, कभी सुने अमोनिया गैस के बारे में, NH3 के साथ भी ये 1 नाइट्रोजन होता है, 3 हाइड्रोजन होता है, और जब ये मिलते हैं तब जाकर अमोनिया की गैस बन रही होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं बट यहाँ पर फिलहाल 2 एग्जाम्पल्स काफी हैं, वाटर की और NH3 की, और इससे पहले वाली स्लाइड पर हमने पढ़ी थी मीथेन गैस की, तो ये 3 एग्जाम्पल्स आई थिंक इनफ है। आपका होमवर्क ये है कि आपने लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कम्पोजिशन के बारे में लिखना है, यानी कि इसका स्टेटमेंट लिखना है, और इसकी एग्जाम्पल्स जो आपको समझ में आई है उसके बारे में आपने अपनी ओन वर्डिंग्स में लिखना है। यहाँ पर आकर हमारी क्लास खत्म हो गई।